नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीपी ब्लॉग में। दोस्तों, अभी सावन सोमवार चल ही रहा है और मैं आपको एक ऐसे प्रसिद्ध मंदिर की तरफ लेके चलता हूँ जो ना सिर्फ रायपुर में प्रसिद्ध है बल्कि इसकी ख्याति दूर दूर तक है। दोस्तों, सरवना पहुंचने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता जो है काठीबंद से आप जो है रायपुर की तरफ रिंग रोड में टर्न करेंगे तो वहां से आप सरवना पहुंच सकते हैं, और दूसरा रास्ता आप पुरानी बस्ती से अंदर कुशालपुर होते हुए कुशालपुर चौक से रिंग रोड पकड़कर भी जो है उस सरवना पहुँच सकते हैं। तो इन दो रास्तों से आप जो है उस मंदिर तक पहुँच सकते हैं जिस मंदिर की प्रसिद्धि जो है बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ सरवना पंचमुखी भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने के लिए, साथ ही कछुओं से मिलवाने के लिए क्योंकि बड़ी संख्या में वहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों, फिलहाल मैं जो है मैंने रास्ता पकड़ा है पुरानी बस्ती से होते हुए मैं आगे बढ़ूंगा कुशालपुर की तरफ, और उसी रास्ते पर जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। सत्यपारा चौक से हमने टर्न कर लिया है और अभी हम जो है कंकाली तालाब से होते हुए जो है कुछ जा रहे हैं। यह मंदिर संभवतः देश के एकमात्र मंदिर में से ऐसा होगा जहां पर भगवान शिव के ऊपर शेषनाग जो है फन फैलाए हुए बैठे हैं। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण 1952 में करवाया गया था। इस मंदिर परिसर में अन्य देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां स्थापित हैं। भगवान ब्रह्मा की एक प्रतिमा इस मंदिर में है। दोस्तों, मंदिर परिसर में दो बड़े तालाब हैं। इन दो तालाबों की बहुत ही खास बात है और लोग इन्हीं तालाबों के चलते यहाँ पर खींचे चले आते हैं। तालाबों में कछुए हैं जिनकी उम्र कई वर्ष है। जी हाँ, कुछ साल पहले यहाँ पर एक कछुआ जिसकी मृत्यु हो गई थी उसकी उम्र 300 वर्ष बताई गई थी। जी हाँ, यहाँ पर कछुए आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र है। भगवान शिव के दर्शन करने के बाद लोग तालाब की तरफ बढ़ते हैं। कछुए लोगों को देखकर घाट की तरफ आते हैं और लोग उन्हें बहुत करीब से देख पाते हैं। मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूं इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी उत्सुकता से लोग जो है वो कछुओं को देख रहे हैं, और कछुआ भी यहां पर लोगों को खुद को दिखाने के लिए भी पहुंचा हुआ है। अगर आपको जलेब जी पसंद है तो आप यहां पर आएँ और कछुओं को देखें। इन कछुओं की प्रसिद्धि जो है बहुत दूर दूर तक है और इसे लेकर बहुत सारे जो है वीडियो सोशल मीडिया पर जो है पोस्ट भी होते हैं। तो आप जो है इस मंदिर में आएँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, ताकि हम आने वाले दिनों में ऐसे ही स्पिरिचुअल टूरिज्म और टूरिज्म से जुड़े हुए पोएट्री और कुछ अन्य खान पान से जुड़ी हुई चीज़ों के वीडियो आपसे शेयर करते रहेंगे। तो आप जो है पीपी ब्लॉग पर बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।